मांगी कोटेचा, टमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में हुई लूट में पुलिस ने 3 अपराधी को धर दबोचा। पार्टी में ऐतिहासिक तालाब के ब्यूटिफिकेशन का काम जोरों पर। वापी में रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोबाइल ब्लड बैंक शुरू की गई। नवरात्रि में भक्तों ने नियमों का पालन कर अंबा माता मंदिर के दर्शन किए। अब समाचार विस्तार में। सिलवासा में कामदारों के साथ लूटपाट व अपहरण का मामला सामने आया। 7 अक्टूबर 2020 को दादरा नगर हवेली साइली स्थित शियाराम कंपनी के पास पूरन लक्ष्मण सांकेत व उनके सहयोगी रात को 10:15 बजे काम से छूटकर घर लौट रहे थे। तब एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार उनके पास आकर रुके और उन लोगों से काले गबोच करने लगे। जब पूरन लक्ष्मण साकेत ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और लक्ष्मण साकेत को मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती अपहरण कर साइली के जंगल रोड पर ले गए और उसे नग्न कर बुरी तरह से मारा और पैसे व 1100 रुपये का मोबाइल लेकर भाग गए। दादरा नगर हवेली पुलिस ने मामले की कार्यवाही करते 3 टीमों का गठन कर जाँच शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुकेश शुक्ला अंधेर, जिसकी उम्र वर्ष 27, जो मेघपाड़ा साइली का निवासी है, महंत काशीराम, जिसकी उम्र वर्ष 21, जो सुखपाड़ा मंडोनी का निवासी है, धर्मेश रमेश वारूफ, जिसकी उम्र वर्ष 25, जो खादीपाड़ा आथोला का निवासी है। मामले को देखते VS 392, 365, 341, 323, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अपराधियों ने गुनाह कबूल किया और अदालत ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। पारडी के ऐतिहासिक तालाब में ब्यूटिफिकेशन की कामगिरी में सफाई अभियान शुरू किया। पारडी तहसील के 99 एकड़ के ऐतिहासिक तालाब में नगर पालिका द्वारा करोड़ों के खर्च से तैयार हो रहे ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसमें आज रोज शनिवार को तालाब में से कचरे की साफ सफाई करने में आई थी। तालाब को डेवलप करने अंदर लाइटिंग और बोटिंग रखी जाएगी, जिससे लोगों के लिए पर्यटक हब बने और वॉकिंग के साथ लोग कुदरती तालाब के मौसम की मजा ले सके। विधायक और सांसद रस लेकर लोगों के लिए तालाब ब्यूटिफिकेशन का काम पूर्ण करे, ऐसी लोगों की मांग उठ रही है। पार्टी नवाणु एक ऐतिहासिक तड़ाव में जे अमरु ब्यूटिफिकेशन चाली रू है, अमर सुंदर गार्डन बनाई गया है। आ गार्डन में अमे आज रोज स्वच्छता अभियान एट्ले तड़ावनी अंदर जो कचरो बॉटल वेस्ट कचरो तो अगर चोखो कर एकदम स्वच्छता रूपे अमे लोग फरवा आए थे એને કંઈ અગવડ ન પડે એ હિસાબે અમે સ્વચ્છતાનું અભિયાન ચાલુ કર્યું છે આજે। અને આ અમારું નવાણ એકમ તળાવમાં ઐતિહાસિક તળાવમાં અમારા ધારાસભ્ય શ્રી કદુભાઈ તેમજ સાંસદ શ્રી કેશીભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આ કામ કરી રહ્યા છીએ અને એ લોકો અમને સલાહ સૂચા આપતા રહ્યા કે જે મને તેમ તળાવ જલ્દીમાં જલ્દી પૂર્ણ થાય, પણ અમે આશા રાખીએ કે 3-1 મહિનાની અંદર આ તળાવ પૂર્ણ થશે અને લોકોને ફરવાનો માટે મોકો મળશે। वापी में रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 32 लाख के खर्च से विशिष्ट ब्लड मोबाइल वैन शुरू करने में आई। हाल की कोरोना महामारी के दौरान रक्त की कमी को ध्यान में लेकर रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने वापी के दाताओं की मदद से घूमती ब्लड मोबाइल वैन शुरू की है। इस वैन का वलसाड जिला के पारडी विधानसभा के विधायक कनुभाई देसाई के हाथों लोकार्पण करने में आया था।
इस अवसर पर कनु देसाई ने बताया कि समाज के लिए मदद की भावना से तत्पर रहते रोटरी क्लब ऑफ वापी ने रक्त की कमी को दूर करने चिल्ला में प्रथम ब्लड मोबाइल वैन शुरू की है, जो कोरोना महामारी में बहुत उपयोगी होगी। इस ब्लड मोबाइल वैन की सुविधा अंतर्गत रोटरी क्लब ऑफ वापी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र पटेल ने बताया कि वान में एक साथ 3 लोग रक्तदान कर सकेंगे। वान में 100 यूनिट रक्त 8 घंटे तक संभाल सकें, ऐसा फ्रीज और अन्य सुविधा है। वापी में शुरू किए ब्लड वान करीबन 32 लाख में तैयार करने में आई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ड्राइवर सहित 6 लोगों का स्टाफ है। हर महीने 5 लाख के खर्च के साथ शनि रवि के दिन ब्लड मोबाइल वान वापी की सोसाइटियों में और सोम से शुक्र GIDC की फैक्ट्री में आसपास के ग्राम्य विस्तारों में घूमकर हर रोज 25 से 30 यूनिट रक्त एकत्र करेंगे। ब्लड मोबाइल वान के लिए वापी के जाने माने उद्योगपति अली नाथानी और गौतम शाह ने दान की रकम देकर इस सेवा में सहकार दिया है। सर्वप्रथम वान बनी छे अने खास करीने जारे ब्लड नी वधु अछत होय अने जारे COVID-19 जेवी महामारीना समये लोको પોતાના ઘરમાંથી નીકળીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવા માટે પહેરાય છે ત્યારે આ વાન ઘણી બધી ઉપયોગી થશે। સેટરડે સન્ડેના જશે, દરેક સોસાયટીઓમાં જશે અને મંડે ટુ ફ્રાઈડેમાં ફેક્ટરીઓમાં જશે અને આદિવાસી એરિયાઓમાં જશે, જ્યાં અમે બધા સરપંચોને ગામડે ગામડે જઈને મળી અને ટાઈમ લઈશું એ પ્રમાણે ત્યાં મોકલવાનું આયોજન કરેલ છે। આ વેનની ટોટલ વેલ્યુસ 32 લાખ રૂપિયાની નજીક પહોંચેલ છે, જેમાં અલીભાઈ નાથાણી અને શ્રી અજીત પેપરમિલ ગૌતમ શાહે બંને થઈને ડોનેશન આપેલ છે અને આને દર મહિને અંદાજિત અમારો 5-6 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે અને જો રોજ જ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરીશું તો 25-30 યુનિટ પર ડેના મિનિમમ આવશે એવી ગણતરી છે। वापी के अंबे माता मंदिर में पहली नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन किए। वापी में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माता जी के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। अनुभवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षा के साथ भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोले। शुरू होते नवरात्रि पर्व में कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर जाहिर गली में गरबा का आयोजन न करने का नियम पत्र जिला कलेक्टर ने जारी किया है और महत्तम लोगों के साथ पूजा आरती का आयोजन करने का निर्देश जारी किया है। तब भक्तों की भावना को ध्यान में रखकर संपूर्ण सुरक्षा के साथ तहसील के अंबा माता मंदिर में ट्रस्ट द्वारा भक्तों को दर्शन करने मंदिर खुला रखने में आया है और मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश देने में आया था। आज रोज नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। જે દર્શન કરવા આવે છે તો આ અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અંબામાતા વતી હું કનુભાઈ પટેલ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી દરેક ભાવિક ભક્તોને નવરાત્રિની શુભકામના ફાળવું છું। અમારા આ મંદિરની અંદર સરકારના નીતિ નિયમો પ્રમાણે, લેટેસ્ટ સરકારની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અમે અહીંયા ખાલી દર્શન માટેનું જ આયોજન કર્યું છે। ભક્ત લોકોના આગ્રહને કારણે અમે માતાજીના દર્શન થઈ શકે એના માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાઈ રહે, 6 ફૂટનું અંતર જળવાઈ રહે તથા અમે અહીંયા લાંબી લાઈન બી કરી છે, એમાં બી 6-6 ફૂટનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખ્યું છે। દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની પરમિશન મેળવી છે અને મંદિર પરિસરમાં અમે 20 દર્શનાર્થીઓથી વધારે ઊભા રહેવા દેતા નથી। વન બાય વન આ મહામારી, કોરોનાની મહામારીમાં અમારા ત્યાંથી કોઈને કોઈ જાતની તકલીફ ન પડે એના માટેનું ટ્રસ્ટ તરફથી પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। દમણ ન્યૂઝ મે વક્ત એક છોટે સે બ્રેક કા। Thank you.
स्वागत है आपका। नवरात्रि के अवसर पर वलसाड पानेरा डूंगर स्थित माता जी का मंदिर खोलने में आया। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तब वलसाड पानेरा डूंगर स्थित माता जी का मंदिर खोलने में आया था, जो कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया था। यह ऐतिहासिक डूंगर के किले पर आए माता जी का अनोखा महत्व है। शिवाजी भी यहाँ भक्ति में लीन हुए थे। वलसाड के पानेरा का डूंगर पेशवाई वक्त से जाना माना है। शिवाजी सूरत से जब भी यहाँ वापस लौटते तब यहाँ पर रात को रहते थे। यहाँ श्री चंद्रिका माता जी की आराधना करते थे। नवरात्रि में यहाँ वलसाड ही नहीं पर सूरत, नवसारी, भरूच वगैरह से भी भक्त आ पहुँचे थे। वलसाड के स्वास्थ्य प्रेमियों के ग्रुप ऐसे वलसाड रेसर्स ग्रुप द्वारा यह डूंगर हर रोज चढ़ने की चैलेंज स्वास्थ्य प्रेमियों को दी थी। उनके द्वारा स्वास्थ्य जागृति के लिए यह अनोखी चैलेंज दी है। कई लोगों ने यह चैलेंज स्वीकार कर हर रोज पानेरा का डूंगर चढ़ने की तैयारी दिखाई थी। हमने अपना भारत देश अंदर बहुत मोटी महामारी चाले से कोरोना ने, तो आ नवरात्रि दरमियान भक्तों माते आ मंदिर सोशल डिस्टन्स राखी ने दर्शन माते खुल्लू राख्यू है। तो सोशल डिस्टन्स खास पालन करीने अमे अहीं माताजीना बधाने दर्शन कराविए। दमण के खेलैयाओं के लिए राहत के समाचार। दमण प्रशासन ने गरबा का आयोजन करने की छूट दी। मंजूरी के बाद दमण में गरबा का आयोजन कर सकेंगे। वापी में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी आम। ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या से लोग हो रहे हैं परेशान। वापी में ट्रैफिक जाम की परेशानी बढ़ रही है, जिसमें वापी हाईवे ब्रिज के नीचे बनाए छोटे बड़े रास्तों को लेकर हर रोज ट्रैफिक जाम की परेशानी बढ़ रही है। छोटे बड़े रास्तों से वाहन गुजरते रहते हैं। वापी गोविंदा कॉम्प्लेक्स के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर भी छोटे बड़े रास्ते दिए थे, जो बंद करते ट्रैफिक की परेशानी कम हुई थी। जब वापी गोविंदा कॉम्प्लेक्स GIDC 4 रस्ता के पास आए पेट्रोल पंप के सामने के छोटे रास्ते और मामो चाय के सामने दिए रास्ते को लेकर हर रोज ट्रैफिक जाम की परेशानी होती है, जिसको लेकर इमरजेंसी वाहन भी फंस जाते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने कभी कभी पुलिस आते हैं। अगर वापी GIDC ओवरब्रिज के नीचे सर्विस हाईवे के छोटे रास्ते बंद कर दे तो ट्रैफिक की परेशानी कम हो सकती है। वापी में ट्रैफिक की परेशानी दूर करने चार रास्ते पर पहले सिग्नल लाइट रखने में आई थी, जो कि सिग्नल लाइट का कोई वाहन चालक पालन नहीं करते थे और वक्त बीतते यह सिग्नल लाइट खराब होकर गायब हो गई, जिसके बाद हाईवे ओवरब्रिज नीचे देने में आए छोटे रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं। जिम्मेदार विभाग की टीम द्वारा ट्रैफिक नियंत्रित करने योग्य कामगिरी की जाए और हाईवे के नीचे दिए छोटे रास्ते बंद किए जाए तो ट्रैफिक की परेशानी कम हो सकती है। चला दमन रोड पर करनाले की मरम्मत की कामगिरी शुरू की।
वापी के चला दमन रोड से गुजरते गरनाले पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मरम्मत की कामगिरी शुरू करने में आ रही है। रास्ते से कई छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, जिसको ध्यान में लेकर इस गरनाले को मजबूत बनाने स्लेब भरने की कामगिरी शुरू करने में आई है। इस कामगिरी के दौरान चला दमन रोड एक बाजू से बंद करने में आया है और वाहनों के लिए डाइवर्सन देने में आया है। भविष्य में सड़क चौड़ी होगी और मार्ग से छोटे बड़े और भारी वाहन गुजरते हैं, जिसको ध्यान में लेकर करनाले को मजबूत किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान करनाले के एक बाजू का हिस्सा तोड़कर स्लेब भरने में आया था, जिसके बाद करनाले के दूसरे हिस्से का काम शुरू करने में आया था। करनाले के एक बाजू का हिस्सा तोड़ने में आया है और करनाले की गहराई बढ़ाने में आ रही है, जिसके बाद पक्के निर्माण की कामगिरी शुरू की जाएगी। यह कामगिरी जल्दी हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। करनाले पर सालों पहले किसी बिल्डर द्वारा दीवार खड़ी कर उसे अंडरग्राउंड करने की कामगिरी शुरू करने में आई थी। पालिका ने इस बात को ध्यान में लेकर खनकी पर हुए कॉलम को दूर करने में आया है। वापी पालिका विस्तार के चला विस्तार में बरसाती पानी के निकाल के लिए करनाले पर जगह जगह निर्माण को लेकर दबाव हो रहे हैं। बरसाती पानी का योग्य निकाल ना होने से बारिश के मौसम में पानी भर जाने की परेशानी उपस्थित होती है। कुदरती गरनाले अब गटर के मार्जिन में आ चुके हैं। जिम्मेदार विभाग की टीम द्वारा गरनाले की जांच कर दबाव दूर किए जाए, ऐसी मांग गांव के लोगों द्वारा की जा रही है। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में हुई लूट में पुलिस ने 3 अपराधी को धर दबोचा। पार्टी में ऐतिहासिक तालाब के ब्यूटिफिकेशन का काम जोरों पर। वापी में रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोबाइल ब्लड बैंक शुरू की गई। नवरात्रि में भक्तों ने नियमों का पालन कर अंबा माता मंदिर के दर्शन किए। अब तक के दमन न्यूज़, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।